तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या करते हैं कि अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, तो ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द ऑन द फ्लोर फ्रॉम द सम हाइट। अगर एक बॉल को कुछ हाइट से गिरा देते हो, तो ये यहाँ से ये फ्लोर है, तो अगर ये फ्लोर है, यहाँ से एक बॉल को गिरा देते हो, दिस इज द बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है क्योंकि ड्रॉप किए हो, तो ये बॉल नीचे आएगा। और अगर ये बॉल नीचे आएगा, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, कुछ ग्राउंड को टच करने से पहले कुछ इसके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको मैं V1 बोल देता हूँ। फिर कुछ टाइम ग्राउंड और इसके बीच कांटेक्ट था, वो टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर? वो टाइम ड्यूरेशन है 0.01 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? जैसे एक मोटू आदमी, एक मोटा पर्सन, ठीक ना, अगर वो इधर से छत से गिर जाता है, या मतलब छत तो नहीं बोलेंगे, पास से ही गिर जाता है, मोटा आदमी टेबल से गिर जाता है, बेड से गिर जाता है, ऐसा समझो। तो अगर मोटा आदमी गिर जाता है, तो वो क्या है, उसको उठने में और उसके और ग्राउंड के बीच में कुछ टाइम ऑफ कांटेक्ट आएगा ना भाई, कि तब वो उठ के खड़ा होगा, तब तो जाएगा। तो जितने देर तक उनका ग्राउंड और उसका कांटेक्ट रहा, वही वो टाइम है, ठीक ना। चलो, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये कहते हैं कि ये हाइट 10 मीटर पहले से पता है, दिस हाइट इज ऑलरेडी 10 मीटर, दिस हाइट इज गिवेन एंड दिस इज द 10 मीटर, एंड रीबाउंड टू हाइट। दोबारा जो है ये बॉल रीबाउंड होता है, बाउंस करता है, और ये हाइट 2.5 मीटर तक राइज करता है। तो अगर 2.5 मीटर राइज करता है ये वाला हाइट, तो ये कहते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी यहाँ पे, और एक कुछ वेलोसिटी V2 से ऊपर गया होगा। तो ये कहते हैं एवरेज एक्सलेशन। देखो, एवरेज एक्सलेशन क्या होता है? पहले V1 से ग्राउंड को हिट किया था, अब V2 से ऊपर जा रहा है, तो अगर एवरेज एक्सलेशन निकालोगे, एवरेज एक्सलेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डॉट टाइम लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम जो लगा होगा, तो V2 में से V1 घटा देंगे। तो चलो, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, V2 में से V1 घटा देता हूँ, तो सबसे पहले V1 V2 निकालते हैं। तो V1 निकालने थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देते हैं, V1² - U² = 2As लगा देता हूँ। तो यहाँ से V1² 0² = -2g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, और हाइट भी 10 था, तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200√, ठीक है ना। तो यहाँ से 200√ एक्चुअली दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे बच्चों 9.8 ही ले लेता हूँ, तो 9.8 ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो -2 × 9.8 और ये 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 9.8√, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 49 × 4, इसको लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 × 14 m/s इनिशियल वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, दैट इज़ V1। तो V1 इतना आ गया। V2, जब V2 ऊपर जा रहा है, तो इस मोशन के लिए मैं थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देता हूँ, V² - C² = 2As। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल V2² जब ऊपर गया -2 और 9.8 और डिस्प्लेसमेंट 2.5, तो यहाँ से जो V2 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 7 m/s। तो ये जब अंडर रूट लोगे, तो 49 × 2 और 50, तो ये 7 m/s आ जाएगा। तो जब 7 m/s आ जाएगा, अब हमें क्या निकालना भाई, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से निकालूंगा, तो V2 फाइनल वेलोसिटी कितना है? तो अगर तुम देखोगे, तो यहाँ से एवरेज एक्सलेशन लोगे, तो फाइनल वेलोसिटी अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो फाइनल वेलोसिटी -14 है, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस वर्टिकली डाउनवर्ड है, -14 वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वैसे भी यार देखोगे तो -14, और माइनस साइन फार्मूले से, और ये 7 और डिवाइडेड बाई टाइम 0.01, ठीक है। तो यह जाएगा माइनस, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो -21 और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगा। तो -2100 m/s यहाँ से स्क्वायर एक्सलेशन आएगा, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इस हिसाब से अपना माइनस का मतलब ये है कि माइनस डाउनवर्ड आ रहा है, दैट इज ए ऑप्शन सही है। थैंक यू।